नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में भी हम प्रीवियस वीडियो की तरह 5 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके नेट पेपर 1 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन आज का पहला है कि डेवी के अनुसार शिक्षा एक, ओके, पहला ऑप्शन दिया गया था कि व्यक्तिक आवश्यकता है, सेकंड आपका सैद्धांतिक आवश्यकता है, और थर्ड दिया गया था कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, या आपका फोर दिया गया था ऊपर के सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि डेवी के अनुसार, ओके, जो एजुकेशन है वो द्विध्रुवी, ओके, द्विध्रुवी प्रक्रिया है, ओके, यानी कि शिक्षा प्रक्रिया के दो अंग है। एक है आपका मनोवैज्ञानिक और एक है आपका सामाजिक, और ये कहते हैं इन्हीं के बीच में आपके शिक्षा की प्रक्रिया चलती है, यानी एजुकेशन का प्रोसेस चलता है इन्हीं के बीच। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि आपके व्यक्तिक सैद्धांतिक और मनोवैज्ञानिक, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है जो है थर्ड, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हुआ। ओके, तो डेवी ने देखिए सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दो अंग माना है, या दो ध्रुवी प्रक्रिया माना है एजुकेशन का। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक तो दिया नहीं गया था, ओके, ऑनली मनोवैज्ञानिक था, तो यहाँ पे यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखिए इनके अलावा भी कुछ ऐसे आपके मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शिक्षा को अलग अलग प्रक्रिया के रूप में देखा है, उन पे भी थोड़ा सा डिस्कस हम करना चाहते हैं। देखिए जॉन एडम्स जो थे वो भी एजुकेशन को द्विध्रुवी प्रक्रिया मानते थे। उनका कहना था कि एक शिक्षक है और दूसरा शिक्षार्थी है, इन्हीं के बीच में शिक्षा की प्रक्रिया चलती है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि इनके अलावा भी अगर पूछ दे कि जॉन एडम्स शिक्षा की कितनी प्रक्रिया मानते थे या कितने अंग मानते थे, तो देखिए वो भी द्विध्रुवी प्रक्रिया या दो अंग मानते थे, एक शिक्षार्थी यानी कि एक सीखने वाला और एक सिखाने वाला यानी कि शिक्षक यानी कि टीचर, और इन्हीं के बीच में शिक्षण या एजुकेशन की प्रक्रिया चलती है। ओके, तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट एक और हैं जो है रायबर्न। रायबर्न ने भी शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया के रूप में माना है, यानी शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है रायबर्न ने। ओके, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए उन्होंने कहा था कि शिक्षा की प्रक्रिया में, ओके, पहला होता है आपका शिक्षार्थी, सबसे ऊपर शिक्षार्थी हो गया, फिर आपका हो गया शिक्षक, ओके, फिर आपका हो गया पाठ्यचर्या, ओके, तो इन्हीं तीनों के बीच में आपकी शिक्षा की प्रक्रिया चलती है। ओके, यानी कि आपका स्टूडेंट, टीचर और आपका पाठ्यचर्या, ओके, आपका कैरिकुलम हो गया, तो इन्हीं के बीच में चलता है आपका शिक्षा, शिक्षण की प्रक्रिया या एजुकेशन का प्रोसेस इन्हीं के बीच में चलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आपको करेक्ट हो गया कि 36 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37, यानी आज के वीडियो का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए कहा गया था आपके क्वेश्चन में कि 25% कितना होगा, ओके, यानी कि व्हाट विल बी 3% ऑफ 25। तो देखिए पहला ऑप्शन था 0.70, सेकेंड 0.75, थर्ड 0.57 और फोर आपका 0.50। ओके, तो यहाँ पे अच्छी बात है कि 91% लोगों ने यहाँ पे करेक्ट आंसर सेलेक्ट किया है, लेकिन जो 9% लोगों ने सेलेक्ट किया उनको हम बताना चाहते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप डाउटफुल हैं, यानी कि आपके अंदर डाउट पैदा है, तो देखिए एक बार फिर से आपको हम बता दे रहे हैं कि जब कभी परसेंटेज निकालने के लिए कहे किसी भी अंक का, चाहे वो 1000 हो, चाहे 500 हो, चाहे 100, 200, अरब खरब कितनी भी हो, आपको बस
उस परसेंट का उस अंक में गुणा कर देना है, यानी कि कैलकुलेशन कर देना है, ओके मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 25 का 3% कितना होगा, ओके। तो बस यहाँ पे आपको ऐसे गुणा करना है, ओके। तो जितना हो गया उसके बाद 100 से आपको डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। तो फ्रेंड्स भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 25 का 3 में जब आप गुणा करेंगे तो हो गया 75, और 100 से अगर भाग देते हैं तो क्या होता है, दो अगर जीरो है तो दो अंक बाद दशमलव लग जाता, पॉइंट लग जाता, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया तो 0.75 हो गया। तो ये 0.75 हो गया। देखिए ये छोटे छोटे कैलकुलेशन है, इससे क्या होगा कि आपके कैलकुलेशन करने की स्पीड बढ़ेगी, ओके। तो फ्रेंड्स जब DI के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो उसको आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 है, ओके 38 है यहाँ पे, कि दशमलव संख्या, ओके दशमलव संख्या 50 का द्विधारी होगा, ओके डेसिमल नंबर 50 विल बाइनरी, फर्स्ट था आपका ये, सेकेंड, थर्ड और फोर, यहाँ पे दिया गया था 4 ऑप्शन। तो देखिए सभी पे कुछ न कुछ लोगों ने अपना वोट, यानी कि अपने वोट का प्रयोग किया है। तो बताना चाहेंगे देखिए यहाँ पे मेच्योरिटी आपका है 64% में, तो देखिए यहाँ पे यही ऑप्शन करेक्ट होगा। और क्यों, तो हम एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं कि देखिए ये क्वेश्चन अभी NTA ने अपने पेपर में डाला था, यानी कि जो आपका प्रीवियस इसके पहले का जो एग्ज़ाम गुजरा है उसमें पूछा गया था कि 50 का द्विआधारी कितना होगा। तो देखिए हम बताते हैं, देखिए मान लीजिए 50 हो गया, आपको 2 से इसको भाग दे देना है तो कितना होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे आप जब करेंगे तो यहाँ पे आपका आता है 25, तो पूरा जब कट गया तो आपको रखना है 0, फिर आपको देना है 2 से, तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 12, बचा कितना फ्रेंड्स, यहाँ 25 में अगर 2 का भाग देते हैं तो 12 बार में जाएगा, 1 शेष बचेगा तो यहाँ पे रख देते हैं। तो ऐसी ही प्रक्रिया चलती चली जाएगी, तो लास्ट में जो आपके पास बचेगा, तो नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो आपके पास 110010, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन निकल के आता है, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स इससे जुड़ी हुई कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतर तरीके से आपको इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन है आज के वीडियो का चौथा क्वेश्चन, और क्वेश्चन है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ओके। और ऑप्शन दिया गया था कि सेल्फ कम्युनिकेशन, सेकेंड आपका इंटरनेट कम्युनिकेशन, थर्ड आपका मोर देन 2 पीपल कम्युनिकेशन, और फोर दिया गया था 2 पीपल कम्युनिकेशन। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो 3 आपका कम्युनिकेशन का टाइप इसी में पूछ दिया गया है, मतलब डाल दिया गया है ऑप्शन में, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करता है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि 84% लोगों ने राइट आंसर सेलेक्ट किया है, ओके यानी कि सेल्फ कम्युनिकेशन। तो देखिए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है क्या, हम बताते हैं। देखिए कि जब आप खुद से बातें करते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति खुद से बात कर रहा है, खुद से बड़बड़ा रहा है, खुद में कुछ ना कुछ सोच रहा है, विचार कर रहा है, तो जब खुद से बातें की बात आती है, ओके खुद से बातों की बात आती है, तो वो होता है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। और देखिए अगर इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करता तो वहाँ पर होता आपका जब 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड आपका फोर्थ ऑप्शन है कि 2 पीपल कम्युनिकेशन, तो देखिए 2 पीपल कम्युनिकेशन को हम कहेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब 2 लोग आपस में बातें करते हैं 1x1, ओके ये होता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ओके। और देखिए यहाँ पे था कि मोर देन 2 पीपल कम्युनिकेशन, तो यानी कि थर्ड जो ऑप्शन था उसको हम कहेंगे ये ग्रुप कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा, ओके यानी कि 2 से ज़्यादा लोगों का समूह जब आपस में बात करता है, पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है भैया, ग्रुप कम्युनिकेशन में बहुत लोग होते हैं, हो सकता है आप किसी को जानते हैं किसी को नहीं जानते हैं, तो देखिए ग्रुप कम्युनिकेशन 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में होता है, ओके उसको हम आपका ग्रुप कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं।
अब देखिए इसमें एक चीज और नहीं डाला गया था, उस पर हम बात करते हैं। एक आता है मास कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन के देखिए बहुत टाइप हैं, हम बताएंगे किसी ना किसी वीडियो में पूरे के पूरे जितने कम्युनिकेशन के टाइप हैं। ओके, तो देखिए एक है मास कम्युनिकेशन जो प्रमुखतः कम्युनिकेशन के टाइप में जाना जाता है। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें होता है जैसे मान लीजिए टीवी के न्यूज चैनल के एंकर हैं, वो एक बार में बहुत सारे नंबर ऑफ जो मोर पीपुल, ओके, यानी कि बहुत सारे लोगों को एक साथ कम्युनिकेट करते हैं। ओके, तो ऐसे कम्युनिकेशन को करते हैं, कहते हैं आपका मास कम्युनिकेशन। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स यही एग्जांपल बेहतर होगा, अब इससे ज़्यादा क्या दें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, यानी कि 40 नंबर का क्वेश्चन और आज की वीडियो का पाँचवा क्वेश्चन। और क्वेश्चन में कहा गया था कि HTML का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है, यानी कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ HTML टू मेक। ऑप्शन वन था आपका फॉर वेबसाइट एड्रेस, सेकेंड था फॉर सॉफ्टवेयर, थर्ड था फॉर वेब डिज़ाइनिंग और फोर्थ था आपका ऑल ऑफ एबव, यानी कि ऊपर के सभी। तो देखिए हम बात करेंगे HTML पे। पहले देखिए HTML जो है इसका फुल फॉर्म है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, यह कंप्यूटर की भाषा है जिसका प्रयोग वेबसाइट बनाने में या वेब डिज़ाइनिंग में किया जाता है, वेब पेज तैयार करने में किया जाता है। ओके, और इसकी खोज टिम बर्नर्स ली ने आपके 1980 यानी 1980 में किया, और कहाँ किया, जिनेवा। ओके, जिनेवा में इन्होंने इसका खोज किया। तो अब आपको आंसर पता चल गया होगा कि देखिए यहाँ पे 51% लोगों ने गलत आंसर यहाँ पे चुना है, ऑल ऑफ एबव बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद देखिए एक थोड़ा सा ट्रिक ये है कि हमने कहा था कि HTML का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे फॉर वेबसाइट एड्रेस जो पहला था, तो देखिए अगर सिर्फ वेबसाइट दिया होता तो ठीक था, लेकिन वेबसाइट एड्रेस बनाने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, तो ये ऑप्शन गलत है। सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सॉफ्टवेयर नहीं है, यहाँ पे 1% लोग जो थे वो गलत हैं। देखिए फॉर वेब डिज़ाइनिंग ओके के प्रयोग में HTML का उपयोग किया जाता है, वेब डिज़ाइनिंग बनाने के उपयोग में HTML का प्रयोग किया जाता है या वेबसाइट बनाने के। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वेब एड्रेस या वेबसाइट एड्रेस को भी हम सेलेक्ट कर दें, सिर्फ अगर वेबसाइट दिया होता तो करेक्ट ऑप्शन था। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट होगा। ओके, तो देखिए इसीलिए हम वीडियो पे डिस्कस करते हैं, अपने क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं जो कम्युनिटी टैब में डालते हैं। ओके, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन पे आप सिर्फ अपना वोट देके निकल जाते हैं, लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं। ओके, तो जब हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस होगा तो बेहतर से बेहतर उसका रिजल्ट निकल के आएगा। तो चलिए फ्रेंड, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।